मुझे लगता था कि पौधे इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज होते हैं। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इन्हें ही हर कोई खाता रहता है। उप्स, लेकिन कुछ पौधे भी खाते हैं, और यही बताने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मैं उन पौधों के बारे में बताऊंगा जो मांस खाते हैं। आइए मेरे साथ, तो शुरू करते हैं। वो पौधे जो कीड़े मकौड़े जैसे शिकार को पकड़कर उन्हें खाते हैं, उन्हें कहा जाता है इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट्स। ज्यादातर कार्निवोरस प्लांट्स गीले और दलदली इलाकों में रहते हैं। जहां जहां मिट्टी में ज्यादा पोषक तत्व नहीं होते, वो अपना पोषण अपने शिकार से लेते हैं, और बाकी का बचा हुआ पोषण उन्हें मिट्टी से मिल जाता है। इनका पाचन तंत्र काफी मजबूत होता है, जिससे कि ये मुश्किल चीजों को भी तोड़कर खा लेते हैं। अलग अलग तरह के कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं। एक है पिटफॉल ट्रैप्स, इन्हें पिचर प्लांट्स भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक पिचर यानी कि मटके जैसे लगते हैं, जिसमें एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। कीड़े इनके इसी तरल पदार्थ को पीने आते हैं, और जब वो इसे पीने आते हैं तो इसमें डूब जाते हैं। कुछ पिचर प्लांट्स के ढक्कन भी होते हैं और वो अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। फ्लाई पेपर ट्रैप्स, कुछ फ्लाई पेपर ट्रैप्स की पत्तियों पर एक चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, जिसमें शिकार आकर चिपक जाता है। ये पौधे अपने शिकार को अपनी पत्तियों के जरिए ही बचा लेते हैं। दूसरी तरह के फ्लाई पेपर ट्रैप्स डंडे जैसे टेंटिकल इस्तेमाल करते हैं, जिन पर ग्लैंड्स होते हैं, जिससे वो कीड़ों को पकड़कर खाते हैं। इनके डंडों पर एक डाइजेस्टिव सूप होता है जो पोषक तत्वों को सोखता है। स्नैप ट्रैप्स, वीनस फ्लाई ट्रैप सबसे मशहूर स्नैप ट्रैप है। इस पौधे की मुंह जैसी पत्तियां होती हैं जो एकदम से बंद हो जाती हैं जब कोई कीड़ा मकौड़ा ऊपर आकर बैठता है। तो कुछ ऐसे स्नैप ट्रैप्स भी हैं जो पानी के नीचे मिलते हैं, और उन्हें वाटर व्हील प्लांट्स कहा जाता है। वो भी यही काम करते हैं, लेकिन पानी के नीचे। ब्लैडर ट्रैप्स, इस तरह के पौधे बहुत दिलचस्प तरीके से काम करते हैं। इन पौधों पर थैलियां होती हैं, जिन्हें ब्लैडर्स कहते हैं। ये जगह बनाते हैं और कीड़े को अंदर खींच लेते हैं, और बाद में उसे पचा लेते हैं। लॉबस्टर पॉड ट्रैप्स, ये अपनी मीठी सुगंध वाले मधु से पहले तो कीड़े को अपने पास बुलाता है, और जब कीड़ा अंदर फंस जाता है तो उसे पत्तियों में से रोशनी दिखाई देती है, और उसे लगता है कि वो बाहर निकल सकता है, और बाहर निकलने के लिए वो रोशनी की तरफ जाता है, और ये उसे फंसाने के लिए एक और जाल होता है। और इस तरह से पौधा कीड़े को गुमराह करके पिचर के अंदर ले जाता है, जहां उसे पकड़कर खा लिया जाता है और पचा भी लिया जाता है। ट्रिविया टाइम। कई पिचर प्लांट्स इतने बड़े होते हैं कि वो खा सकते हैं चूहे और मेंढक तक को। कुछ कार्निवोरस प्लांट्स अल्ट्रा वायोलेट लाइट चमकाकर अपने शिकार को आकर्षित करते हैं। हे, वहां मत जाओ, रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। ओ, ओ, इसे जाने दो। ओ, ओ। तो अब मैं चलता हूं दोस्तों, फिर मिलेंगे मजेदार और दिलचस्प चीजों के साथ।